Today we will start exercise 20B. बच्चे formulas, I think all of you know very well. Formulas सबको आते हैं. Rectangle का सिस्ट्री, area of rectangle का formula बच्चे. बच्चे बोल के बताना है. लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर. मनमोहित सर साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर. ए क्या है बच्चे? साइड, साइड का स्क्वायर. इसके बाद आ जाते बच्चे, इसमें और है कोई? ट्रेपीजियम, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. आर्या, धैर्या बोलो बच्चे, पता है? सर हाफ ए प्लस बी इनटू पॉइंट. ए और बी क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ए एंड बी क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ओके, इनटू हाइट. दैट वन, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम पेरीमीटर तो सारी साइड्स का सम ही होता है, ये तो सबको पता है. रोम्बस का एरिया, चलो मैं डिस्कस कर ही लेता हूं थोड़ा बहुत. एरिया ऑफ रोम्बस कभी भी यूज हो सकते हैं ये. बेस इनटू हाइट और हाफ इनटू डी वन इनटू डी टू. उसके बाद आते हैं बच्चे एरिया ऑफ स्क्वायर, आल्सो इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर. ये भी याद रखना. एक तो फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, साइड गिवन है तो हम साइड स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे. जब बच्चे डायगोनल गिवन होगा, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसलिए हाफ डी स्क्वायर आया बच्चे वहां पे. एरिया ऑफ स्क्वायर इज हाफ डी स्क्वायर. ओके, इसके बाद आ जाते बच्चे हमारे पास कोई और फॉर्मूला है इसमें. ट्रायंगल का तो पता ही है. ट्रेपीजियम आ गया. हाँ, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज आल्सो इक्वल टू बेस इनटू हाइट. क्या होगा? बेस इनटू हाइट होगा बच्चे, समझे? लग गया बेटा? बेटा बेटा हाँ जी बेटा बोलो. सर वो रोम्बस के फॉर्मूला में डी वन और डी टू डायगोनल्स है ना? हाँ जी बेटा, डी वन एंड डी टू आर डायगोनल्स. These are the five formulas. ठीक है, जो पहले ट्रायंगल का किया है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, वो तो होगा ही होगा. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सम. फर्स्ट सम क्या है एक्सरसाइज 20B का? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वन ऑफ हूज डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम अदर टू वर्सेस आर. कैसी भी एक क्वाड्रिलेटर बना लो, टेढ़ी मेढ़ी बना ली, ए बी सी डी नेम दे दिया. फिगर इज मस्ट, विदाउट फिगर यू हैव टू स्कोर 0 मार्क्स. एक कोई एक डायगोनल चाहिए, ये कर लो बच्चे चाहे वो कर लो. मैंने ये कर लिया ज्वाइन, एक डायगोनल को ज्वाइन कर लिया. इसकी लेंथ 19 गिवन है हमें. डी बी इज गिवन 19, और सॉरी 30, नॉट 19, दैट इज 30. आगे क्या लिखा है? And perpendicular from other two vertices are 19 and 11. यहां से बच्चे altitude है, यहां से altitude है, या perpendicular और altitude is the same thing.
जो एल्टीट्यूड है इनकी लेंथ 19 एंड 11 है. किसी को भी 19 ले लो, किसी को भी 11 ले लो. ई एंड टेकन एज एफ. फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अब यहां पे बच्चे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एरिया ऑफ एबीडी प्लस डीबीसी, एरिया की शॉर्ट फॉर्म ए आर, ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ट्रायंगल डीबीसी. अन्वेषा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या लिखूं मैं यहाँ पे? हाफ इनटू बेस इनटू. बेस कौन सा यूज करूंगा बच्चे इस ट्रायंगल का मैं? अन्वेषा तेरे को अलग से मैं फिगर बना के देता हूं, अब तो बता सकती है. अन्वेषा मैं तेरे से पूछ रहा हूं. सर डी ए. बच्चे ये एंगल 90 नहीं है, यहां पे परपेंडिकुलर है. कौन सी साइड पे एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर? अन्वेषा कौन सी साइड पे ड्रॉन हो रहा है? किस साइड पे गिर रहा है बच्चे? डीबी पे नहीं गिर रहा वो? यस सर. एंड हाइट इज ए ई. ओके ओके सर. प्लस दिवांशु एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी बच्चे क्या आएगा? हाफ इंटू डीबी इंटू एफ सी. यस, डीबी इंटू सी एफ या एफ सी एक ही बात है. इस ट्रायंगल में बच्चे ऊपर वाले ट्रायंगल में यहां से एल्टीट्यूड है, दिस इज बेस एंड दिस इज द हाइट. अब खुशागरा इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो कितनी टर्म्स है, पहले तो हाफ एंड डीबी. जब तक मल्टीप्लाई है ना, दैट इज अ वन टर्म. जो दो अंडरलाइन कर दी, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं. इन दोनों में हाफ एंड डीबी इज कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट सर? ए ई इनटू सी एफ इनटू के प्लस ए ई प्लस प्लस आएगा कि इनटू है? सर प्लस. मुझे साथ ले जाना एग्जाम में, ठीक है? मैं बता दूंगा. शागरा ए की लेंथ 11 है बेटा, सी एफ की लेंथ 19 है. कट करो 15, 15 इंटू एड किया 30, 15 थ्री 45, साथ में 0 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. समझ आया बच्चे? सृष्टि समझ आया? यस सर. ओके, ये आर्या की बहन आ गई. एक आर्या भी ऐसी बोलती है स्लो स्लो, पता नहीं फर्स्ट डे है इसलिए सृष्टि थोड़ा स्लो बोल रही है. Now we have question number 2. Second question. The diagonal of quadrilateral are 16 and 13. If they intersect each other at right angle, find the area of quadrilateral. ये rhombus parallelogram नहीं है, simple एक quadrilateral दी है. इसके डायगोनल्स की लेंथ दी है 16 एंड 13. एसी 16 सेंटीमीटर ले लिया एंड बीडी को 13 सेंटीमीटर ले लिया. राइट एंगल पे कर रहे हैं, ये एंगल 90 है. विराज, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी. यस सर. चलो एक मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड. एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी बी सी. इसमें क्या ऐड करूं बच्चे कि पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाए? ये वाला एरिया ना? यस सर, डी ए बी. एरिया ऑफ ट्रायंगल
डीएवी। ये चीज समझ आई बच्चे? यस सर। एरिया एबीसीडी किसके इक्वल? एरिया डीबीसी प्लस एरिया डीएबी। एरिया डीबीसी यस बच्चे क्या आएगा? सर 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। बेस कौन सा यूज करेंगे? सर डीबी। यस इस ट्रायंगल का बच्चे देखो ये एल्टीट्यूड है ना? यस सर। तो डीबी इनटू हाइट सर सी और सर एक सर ओसी सीओ CO is the height. Naman, area of triangle DAB, bache. Half. Sir, half. Base is? Sir, AC. Base. DAB triangle कौन सी है? पहले दिख रही है बच्चे तेरे को? ये वाली है ना? Yes, sir. DB. DB आएगा. And height is? Sir, OB. AO बेटा देखो ऊपर वाली ट्रायंगल को भूल जाओ, नीचे वाली ट्रायंगल में देखो जो अभी दिख रही है तुम्हें। एल्टीट्यूड तो AC ड्रोन है ना? यस और नो? तो बेस DB कौन सी साइड पे है? DB पे। तो DB इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। सर स्क्रीन हो गई। यस सर। इप्सिता yes. पता है मुझे हैंग हो गया था। यस सर। बोलो बच्चे। तो हाफ इनटू डीबी कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा सीओ प्लस एओ। सीओ प्लस एओ। हाफ एज लाइक डीबी की लेंथ बच्चे डीबी और बीडी इज द सेम थिंग दैट इज 13। सीओ प्लस एओ इप्सिता क्या बन गया? सर एसी। एसी हाफ 13। एसी की लेंथ बच्चे 16 है हमारे पास, ये रही। यस सर। यहां से 8 आ गया। 8 3 जा 24 टू कैरी 8 टू 10 104 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज द एरिया। आगे समझ बच्चे? हां जी बेटा। सर इस क्वेश्चन में हम रोम्बस का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उन्होंने हमें दिया नहीं, इसलिए। बाइसेक्ट नहीं दिया ना बच्चे? डायगोनल परपेंडिकुलर दिए हैं अकेले, बाइसेक्टर नहीं दिए, समझे? ओके सर। कि हम रोम्बस का क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उन्होंने हमें ये नहीं बोला कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर है। थर्ड सम, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है हमने। गिवन क्या है? एंगल एबीडी 90, ट्रायंगल बीसीडी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 एंड एडी 26। एंगल एबीडी ओके, इस टाइप से बनानी पड़ेगी कि एंगल एबीडी 90 बने। A, B, D. तो C तो इस साइड आएगा। ट्रायंगल बी सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल बन गई बच्चे, ऐसे बनानी पड़ेगी बच्चे क्वाड्रिलेटरल। ये एंगल 90 है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स पे मैंने कट लगा दिया, तीनों साइड्स इक्वल हैं। इच इज 24, दिस इज आल्सो 24, दिस इज आल्सो 24। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है? एंड एडी, एडी की लेंथ 26 है। चलो इस ट्रायंगल का एरिया, यस अंकित, कैसे फाइंड करेंगे? यस सर। ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले पाइथागोरस का यूज करके पहले पाइथागोरस ए बी फाइंड करेंगे। यस सर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर
यस अंकित, किसके इक्वल होगा? सर एडी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर. एडी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर. एडी की लेंथ 26 है, बीडी की लेंथ 24 है. 26 का स्क्वायर 676, 24 का स्क्वायर 576. ए बी स्क्वायर 100 बचे एंड ए बी वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट वी गेट 10. ये कितना आ गया हमारे पास? 10 आ गया. अंडरस्टूड? यस सर. अब बच्चे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सीधा लिखेंगे, अलग अलग फाइंड नहीं करेंगे. एबीसीडी ये सी पॉइंट है. एरिया ऑफ एबीडी प्लस एरिया ऑफ बीसीडी ना, यस और नो? यस सर. एरिया एबीडी हरमन, यस सर. यस नहीं, मैंने एरिया एबीडी पूछा है सर. हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. बेसेस सर 24. BD, एक बार BD लिखेगा. एंड हाइट इज AB. AB. एरिया BCD, आर्या. आर्या, आर यू लिसनिंग? यस सर. BCD कौन सी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल है ना? तो आर्या, यस सर. इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? सारे साइड्स का एरिया, पेरिमीटर नहीं निकालना बेटा. रूट 3/4 साइड स्क्वायर. साइड 24 है, 24 का स्क्वायर. ठीक है? ओके सर. आर्या? यस सर. कर लोगे बच्चे इसको कैलकुलेट अपने आप? बीडी की वैल्यू भी पता है, ए भी हमने फाइंड कर लिया. Root 3/4, 24 square. You can do it. Yes, sir. हो जाएगा? Yes, sir. Root 3 की Root 3 की value 1.732 fill कर देना बच्चे. Sir, हर question में root 3 की value fill करना जरूरी है? बिना value fill किया answer नहीं दे सकते sir? नहीं दे सकते. Fourth sum बच्चे. Calculate the area of quadrilateral ABCD. In which AB 32, AD 24, angle A 90. Angle A 90 ले लो, बाकी जैसे मर्जी टेडी मेडी बना दो फिगर. बना दी? सर ये तो शायद थोड़ा. हाँ जी बेटा. सर उन्होंने बच्चे एंगल A 90 बोला है ना हमें? सर मेरे को लगा आप ABD 90 ले रहे. अच्छा शाबाश. Calculate the area of quadrilateral ABCD in which AB is 32 centimeter, AD is 24 centimeter, angle A 90, BCCD 52. हाँ जी बेटा. जो 90, देखो दो डायगनल है ना, DB एंड AC. 90 के अपोजिट BD डायगनल आएगा ना, तो इसको ज्वाइन कर लो. कर लिया? यस. सृष्टि, हाउ वी कैन फाइंड बीडी? सृष्टि बोलो बेटा. यस सर. हाउ वी कैन फाइंड बीडी? बीडी फाइंड कर सकते हैं बच्चे हम इस ट्रायंगल में? हिंट भी दे देता हूं चलो. बाय पाइथागोरस ना? बाय यूजिंग. बोला करो बच्चे, नहीं पता तो भी बोल दो, तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा. सर सिर्फ विराज को ही बोलेंगे सारे. क्यों? वैसे तू तंग करता है इसलिए. मजाक कर रहा हूं. ए बी वो टेंशन ले गया.
देखो बेटा, BD स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 32 का स्क्वायर 1024, 24 का स्क्वायर 576, ऐड किया कितना बन गया 1600 बन गया। BD स्क्वायर दूसरी तरफ जाके बच्चे क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। मनमोहित 1600 का स्क्वायर रूट सर 40, ये साइड 40 आ गई। अब देखो निचली ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ऊपर वाली का एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एरिया एबीसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। चल इप्सिता बता मुझे एरिया एबीडी क्या लिखूं यहाँ पे? सर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस कौन सा लिखूं? सर 32 से एबी। एबी लिखो एक बार। इनटू हाइट सर एडी। एडी। अब ट्रायंगल डीबीसी का एरिया ये भी बता दे मुझे, फॉर्मूला बता पहले तो। सर 1/4 सर ये आइसोसेलस ट्रायंगल है ना, दो बेस एंगल सेम है तो इसलिए 1/4 बी स्क्वायर। बेस एंगल कहां सेम दिए हैं? बेस एंगल कहां सेम दिए हैं उन्होंने? मतलब दो एंगल दो साइड सेम दिए हैं। फिर एंगल कहां पे आ गया तेरे पास? दो साइड्स इक्वल है बच्चे, तो ये कौन सी ट्रायंगल है? आइसोसेलस 1/4 बी रूट ए प्लस ए फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नहीं आना था। फॉर्मूला लिखा है बच्चे ये आइसोसेलस ट्रायंगल का। सर सॉरी सर फिर से मिक्स हो गया फॉर्मूला। 1/4 बी रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल साइड होती है बच्चे दैट इज वी टेकन एज ए। जो डिफरेंट साइड है मतलब तीसरी साइड जो बच गई दैट इज बेस बी। अब यहां पे देखो हाफ एबी की लेंथ 32 है, एडी की लेंथ 24 है प्लस 1/4 बी, इस ट्रायंगल में बेस 40 रूट 4 ए स्क्वायर 52 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 40 का स्क्वायर। समझे? टू से कट करो 16, 16 फोर जा 64, सिक्स कैरी 16 टू जा 32, 32 सिक्स 38, फोर से कट किया 10 रूट, इसको बच्चे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 52 को 52 से मल्टीप्लाई करो, 4 10 10 20 2 27, 4 इन 4 से मल्टीप्लाई भी कर लो, 4 मल्टीप्लाई में भी है ना, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28, 2 8 2 10, 10816, 40 का स्क्वायर 1600, 1600 माइनस करो, ये रफ वर्क है यहाँ पे साइड पे, 6 1 2 9 9 2 6 1 384 एज लाइक प्लस 10 9 2 6 1 1 6 सॉरी। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड 8 में किया था स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला, 9 9 81 1 1 1 6, 9 का डबल 8 18, 18 के साथ क्या लगाएं कि 6 आ जाए 6 पे, 180 के साथ 6 लगाया, 18 के साथ 6 36, 3, 48, 3, 51, 5, 11, आ गया। मतलब ये किसका स्क्वायर है? 96 का, 384 प्लस 960, ऐड करो बच्चे 4, 8, 6, 14, 1 कैरी 10, 10, 3, 13, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चे, समझाइए। नाउ द फिफ्थ सम,
The perimeter of rectangular field is 3.5 किलोमीटर. रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 3/5 किलोमीटर. इफ द लेंथ ऑफ फील्ड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, फाइंड द एरिया ऑफ इन मीटर. तो पेरीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है. तो धैर्या, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 1000 मीटर्स. उची बोल. 1000 meters. हाँ, ऐसे बोला कर, मुंह में बोल देती है. पेरीमीटर कितना आ गया? 600 meter आ गया. अब इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है. मैंने मीटर में क्यों निकाला? क्योंकि उन्होंने लिखा था लास्ट में कि दिया मीटर स्क्वायर में फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर मीटर में. इफ द लेंथ ऑफ फील्ड इज ट्वाइस द विड्थ, विड्थ को एक्स ले लो तो लेंथ कितनी होगी? 2x. अब पेरीमीटर का फॉर्मूला. आर्या, आर्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला. सृष्टि, एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट बच्चे प्लीज. सृष्टि, 2 × length + breadth. 2 × L + V, length plus breadth. हाँ, आप पूछ बच्चे. इप्सिता, पर यहाँ पे जो 2x हमने लिखा है twice की वजह से, अगर यहाँ पे double होता तो x square आ जाता ना. Double का मतलब भी 2 times ही होता है, square नहीं होता. इप्सिता, yes sir. Double का मतलब, double का meaning क्या है? मेरे पास 100 है, तेरे पास मेरे से double है. तो तेरे पास कितने हैं? 200. तो 2 से मल्टीप्लाई किया है ना वहां पे भी. ट्वाइस और डबल इज द सेम थिंग. ठीक है, तो सर एक्स स्क्वायर लिखना होता है तो क्या लिखता हो? वो स्क्वायर ही लिखते बच्चे. ओके, लेंथ इज स्क्वायर ऑफ ब्रेथ. ओके सर, ब्रेथ एक्स बच्चे इज इक्वल टू 600. 2x + x 3x. आंखें खुली नहीं है ना इशिता तेरी? नहीं सर, वो मैं सर इस चीज में वही कह रहा हूँ, खुली नहीं है. तूने भी बोल ही दिया नहीं. नहीं खुली? नहीं सर, खुल गई. चलो सर, अब तो 7 बज गए, अच्छे से खुल गई. तेरे से पंग जब तक ना लू ना मैं, मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने का. देयरफॉर लेंथ 2x 2 × 200 meter. Then breadth x is equal to 100 meter. Length और breadth आगे बच्चे हमारे पास. Yes sir. एक मिनट. Now बच्चे उन्होंने एरिया पूछा है. एरिया किसके इक्वल? लेंथ इंटू ब्रेथ के. लेंथ की वैल्यू 200 है, ब्रेथ की वैल्यू 100 है. मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ 4 zeros आ जाएंगी बच्चे. इतने मीटर स्क्वायर. आंसर. सिक्स सम, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 85 मीटर लॉन्ग and 60 meter broad is to be covered with grass, leaving 5 meter all around. इधर से भी 5 छोड़ दिया, इधर से भी 5 छोड़ दिया, इधर से भी 5, इधर से भी 5. यही होगा ना? Leaving 5 meter all around. Find the area of laid with grass. Grass कहाँ पे लगाया है? यहाँ पे. यहाँ लाइंस लगा दी. तो इनर, देखो आउटर लेंथ कैपिटल एल ले लो, इसको कैपिटल बी से डिनोट कर लो. जो इनर लेंथ है स्मॉल एल, उसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एल से. और ब्रेड्थ को स्मॉल बी से. उनकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी? एक मिनट मनमोहित, इनर लेंथ कितनी आएगी? इनर भी रेक्टेंगल ही बन गया एक. यस सर. कितनी आएगी इनर लेंथ?
स्पीकर से शो हो रहा है सारा कुछ सर. फाइव यार, फाइव तो ये है चीज है सर, ये लेंथ 85 माइनस 10, नॉट 5, 10 बच्चे. 5 इस साइड से, 5 इस साइड से, 5 5 10 माइनस हो जाएगी ना. यस सर. नहीं आता कि हम दो बार क्यों माइनस करते हैं यहाँ पे, या 5 या 10. मोटो मेरे, यहाँ देख, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक है 60, इतना यहाँ से छोड़ दिया, इतना यहाँ से छोड़ दिया, तो ये कितना है 5, ये भी कितना है 5, अंदर की वाली ये कितनी रहेगी, 10 ही माइनस करेंगे. यस सर, गॉट इट सर, गॉट इट. रट्टा मार रही थी पहले. नहीं सर, रट्टा नहीं मार रही थी, इसीलिए तो पूछा. और क्या है, सीधा ही था बच्चे. सर वो जो स्पेस है, अच्छा ठीक है, मान समझ आ गया. नहीं है सर, हमने तो सिर्फ ये करनी है ना बच्चे, इनर इनर ब्रेथ. अब ग्रास यहाँ पे लगाया है ना, तो एरिया ऑफ ग्रास टू बी लेड, एरिया वेयर ग्रास इज टू बी लेड, इसके इक्वल हरमन चल तू बता दे. विराज एल इनटू बी, कैपिटल एल इनटू कैपिटल बी आएगा कि स्मॉल एल इनटू स्मॉल एल इनटू स्मॉल बी. अब उसे ग्रास का पूछ रहा है ना. हाँ तो फिर मुझे ले जाना साथ में, मैं पूछ बता दूंगा तेरे. सर मैं सर अभी तो फॉर्मूला बताया था. 5 5 = 25 2 1 2 37. 5 5 = 25, 2 कैरी आ गया, 35 + 2 = 37. इतने मीटर स्क्वायर आंसर. बहुत इजी है सर. अच्छा इजी है, ओहो मुझे तो पता ही नहीं था. थैंक यू सो मच, तूने बता दिया मेरे को. वेलकम सर. सारे थैंक यू करो भी इसका, विराज का, इसने बता दिया सबको इजी है. सेवंथ, ग्रुप चैट द लेंथ एंड. हाँ जी बेटा, ग्रुप चैट में लिख दे. नहीं रहने दो. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर, पंगे हानी है ना पूरी तू कि कुछ देवे सही मड़ा जा कवे सही नाल दी नाल मैं कर ले ही लेना पंगा है ना. सब मेनु किसी चीज दी प्रॉब्लम नहीं हुंदी, जो मर्जी कोई कह दे अपा कर देने. हां द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 6 एंड 4, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 6 एंड एरिया 3 टाइम्स दैट ऑफ रेक्टेंगल. ट्रायंगल बना ली बच्चे एक, 6 एंड 4, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर. बेस 6 सेंटीमीटर है एंड एरिया इज 3 टाइम दैट ऑफ रेक्टेंगल. क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्रायंगल फाइंड करनी है, ये चीज फाइंड करनी है बेटा, दिस वन. अब इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ गिवन है, लेंथ 6 ब्रेथ 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एरिया आ जाएगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ 6 इनटू 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 टाइम्स 24 हाफ बेस 6, हाइट को बच्चे एच ले लेंगे, 3 इनटू 24 हाइट 24, 2 ऊपर चला गया 6 नीचे आ गया. इसको कट करो एंड गेट द आंसर. ओके आज इतना ही एनएफ है बच्चे. थैंक यू सर. ओके बाय.